ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يا صبح سو بلي تلا ولا وسيما جسيما رزيما نزيما ناظما مناظما لا ولا مناظر له ولا مناظم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق كفر كفر كلا ولا مسيل مسل مسل لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسمائه وسماءه وحده مولى ومبرى ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنبرا متنسرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وإمامنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومهيننا وعيننا وأعيننا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على حال محمد صل على قال محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على اقبال محمد صل على مال محمد صل على نوال محمد صل على نقل فضل وصل اصل محمد صل على بيان قران فرقان عثمان بن عفان محمد صل على جفون جفن جفان محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللئيم الرجيم وقبيله ونفقه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما स्टेज पर जनाब हजरत अल्लामा बैरिस्टर शबाज चिश्ती साहब जलवा फरमाएं और पीर तरीकत हबीब शरीयत अल्लामा बशारत शाजी साहब खलीफा मजाज आस्ताना दरगाह शरीफ इसके अलावा पूरी दुनिया के मशहूर मरूफ नात खानात वो शायर भी और नात पढ़ने वाले भी हैं नूर मोहम्मद जलाल साहब असगर चिश्ती साहब भी हैं अमीर शाह साहब भी हैं और नायब काजी यानी जो वो ऐलान करते हैं चांद का आपके इमाम साहब ये नायब काजी हैं पूरे अमेरिका के कारी सब नबी साहब जलवा फरमाएं और मोहम्मद अली सरवर्दी साहब भी हैं आपका सब बाकी सब के नाम आप जानते हैं और खुश नसीबी है मेरी के मुझे दावत दी डॉक्टर रफीक चौधरी साहब ने कि आपके सामने मैं कुछ बोल सकूं बहुत ज़्यादा खुशी यहाँ आकर इस बात पर हुई कि इनके बच्चे ने उसी मदरसे से कुछ हासिल किया है इल्म जिस मदरसे जामिया नेमिया से मैं पूरा पढ़ के आप तक यहाँ पहुँचा और सुना रहा हूँ मेरी गुफ्तगू जो है आपको कोशिश करूँगा कि आप तक कोई बात पहुँचे लेकिन आप थोड़ा सा जज्बा और शौक का इजहार करेंगे तो गुफ्तगू करने में आसानी हो जाएगी मैंने जो पढ़ा है अब सुनिए जरा इन्नमा अंता मुनज़िरुन इन्ना हरफे तहकीक है और माँ काफा है लेकिन जब माँ आ जाए तो इन्ना के अमल को ख़त्म कर देता है इन्ना माँ अब इन्ना का अमल नहीं रहा कोई भी इन्ना माँ अंता मुनज़िरुन अंता तू मुनज़िरुन डराने वाला है ये अंता मुब्तदा है मुनज़िरुन इसकी खबर है और ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरी होकर जुलहाल बनता है ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बात के ये मुश्किल सा तर्जमा है इसलिए मुझे ये तरकीब वरना मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ता तकरीर में ये सुलहान बनेगा वाव बीच में हालिया है वाले कुल्ले कौमिन हाद कुल्ले कौमिन मुजा मुजाफ अलैह होकर ये मुब्तदा बनेगा हादिन का हादिन खबर है ये इस्मिया खबरिया होके मजरूर बनेगा लाम जार का फिर ये साबितुन के होके मुतल्लिक ये फिर इस्मिया खबरिया होकर ये हाल बनेगा जुलहान का जुलहान हाल मिलकर
ये मकूला बनेगा, काल अल्लाह हो, अल्लाह ने ये कहा, ए मोहम्मद तू डराने वाला है और हर कौम को हदायत देने वाला तू है। मुझे असल में यह तर्जमा करना था, इसलिए मुझे शर्म तामल में जाना पड़ा है। ये तर्जमा, ये इसको सुल्हान और हाल बनाना है कि हाथ जो है हर कौम के लिए कयामत तक जितनी कौमें आती रहेंगी उन सब को हिदायत देने वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हादी नसल में हादी यूं था, या उड़ा दी, ये चीजें उड़ती रहती हैं, और तनवीन कसरा दे दी निशानी के लिए, तो हादिन हिदायत देने वाला। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में अपने लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, व इन्नल्लाह लहादिल्लज़ीना आमनु इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह भी हाद है, तो मोहम्मद मुस्तफा भी हाद है, अल्लाह कह रहा है मैं भी हाद हूं, तो शिर्क तो हो गया। तो जब वो खुद शिर्क कर रहा है, अब आप मौलवी पर क्या एतराज करेंगे? नहीं, तो कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि लफ्जों की मुताबकत जो है तमाम शरायत का तकाजा करती है, तमाम चीजों का, और फिर उसके बाद नियत के एक होने का तकाजा करती है। यही वजह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बंदे से ये कह रहे हैं, यस्की रब्बाहु खमरा, तू अपने रब को शराब पिलाएगा। सूरह यूसुफ खोल लीजिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम साकी से कह रहे हैं तू अपने रब को शराब पिलाएगा, जबकि हमने ये पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब तो अल्लाह है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तू अपने रब को शराब पिलाएगा, तो क्या करोगे तर्जमा? सिर्फ दाता के लफ्ज पर परेशान हो गए? सिर्फ मुश्किल कुशा के लफ्ज पर परेशान हो गए? यहां हादिर पे क्या करोगे, रब पे क्या करोगे? तो फिर सारे मौलवियों को बैठ के कहना पड़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम मजाजी तौर पर उस शराबी को उसका रब कह रहे हैं, तो जब रब का लफ्ज मजाजी तौर पर एक शराबी के लिए कहना जायज है, तो दाता फिर दाता हजरी के लिए कहना कैसे नजायज हो जाएगा? दो चीजें जरा सोचेंगे, मेरा टॉपिक नहीं है, अल्लाह हाद है और नबी हाद है। गुफ्तगु आगे बढ़ी, हाद जो है ये हिदायत देता है, दो लफ्ज हैं, जरा तमहीद मानते ही मुश्किल होता है, जरा सुन लीजिए, हिदायत और हुदा दोनों के माना एक हैं। हिदायत का माना क्या होता है? अक्सर उर्दू में हिदायत इस्तेमाल होता है, और जब हम अरबी पढ़ते हैं कुरान तो हुदा इस्तेमाल होता है। हुदा और हिदायत का माना एक है। हिदायत किसे कहते हैं? लुत्फो करम के साथ किसी की रहनुमाई करना। तो हादिन लुत्फो करम के साथ अपनी उम्मत की और लोगों की रहनुमाई करने वाला। लेकिन हुदा कुरान में इस्तेमाल होता है, हिदायत बाकी जगहों और बाकियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब सुनिए, अल्लाह हिदायत देता है, लेकिन देता कैसे है? वो अपने नबी को भेजता है, जाओ जाके इनको हिदायत दो। होता ये है, हम जितने लोग हैं, हम हमारे पास 5 gates ऑफ नॉलेज हैं, 5 चीजों से इल्म हम अंदर लेते हैं, लेकिन ये 5 gates क्या करते हैं? ये गलती कर जाते हैं। सबकी मिसाल नहीं देता, एक की देता हूं, ये आंख है, ये अक्सर गलती करती है। जब कभी शाम को आसमान की जानिब देखती है तो कहती है कि सितारे छोटे हैं, ये बहुत थोड़े थोड़े हैं, तो ये गलती कर रही है। अकल कहती है ये छोटे नहीं, तुझे छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि आदमी को 2 वजह से अगला छोटा नजर आता है, या तो तुम उससे दूर हो या तुम बड़े मगरूर हो। दूर हो तो छोटा नजर आ रहा है, बड़े मगरूर हो तो छोटा नजर आ रहा है, अगर करीब चले जाओ और मसरूर हो जाओ तो छोटा भी बड़ा नजर आने लग जाता है। तो आंख ने कहा वो छोटा है, अकल ने कहा तू दूर है छोटा नहीं, ये तो सूरज से भी कई बड़े हैं। तो गलती की आंख ने, तसही की अकल ने। अब चलिए, आप बैठते हो कार में, कार चली, हाफिज उमर नईमी लेके चला कार, डॉक्टर साहब का बेटा कार लेके चला, रास्ते में मुझे दिखे पुल, दिखे दौड़ते हुए, मकान दिखे दौड़ते हुए, चीजें दिखी दौड़ती हुई, मेरी आंख ने कहा मकान दौड़ रहे हैं, मेरी आंख ने कहा पुल दौड़ रहे हैं, अकल ने कहा नहीं तेरी गिरफ्त में नहीं आ रहे, इसलिए तू गलती कर रही है। तो गलती की आंख ने, तसही की अकल ने। तो समझाना ये चाहता हूं कि जब आपके 5 gates ऑफ नॉलेज ये गलती करते हैं, तो इसके ऊपर एक अकल है कि अकल इनकी तसही करती है। अब मुझे बताओ, जब तुम्हारी अकल गलती करेगी तो फिर कौन समझाएगा? तो अकल की तसही करने के लिए जो आता है उसको नबी कहते हैं। वो नबी जो है वो अकल की आके तसही करता है, इसलिए तुम सबसे ये कहा गया
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अपने आप को अपनी अकलों को ताबे कर दो मोहम्मद की अदाओं के। मैं मफहूम तक चला गया, अब बात समझनी आसान हो जाएगी। अपनी अकलों को, वैसे उर्दू में अकलें कहते हैं, वैसे इसकी जमा उकुल है, अपनी अकलों को ताबे कर दो अदाए मुस्तफा के। तुम्हारी अकल ताबे होनी चाहिए अदाए मुस्तफा के, जो नबी करे। अब अकल यूज ना करो, तुम नबी की अदा के पीछे चलो। अब मैं आपसे पूछता हूं, नमाज में कयाम किसका? खुदा के लिए। नमाज में रुकू किसका? खुदा के लिए। नमाज में सजदा किसका? खुदा के लिए। तो जब तुम इबादत कर रहे हो, कयाम, रुकू, सजदा, रेस्ट्रेशन, तो अब किबला कौन सा होना चाहिए? वो भी खुदा की मर्जी का होना चाहिए। अकल ने ये कहा, जब कयाम खुदा के लिए, जब रुकू खुदा के लिए, सजदा खुदा के लिए, तो किबला भी होना चाहिए खुदा की मर्जी का। तो मेरी अकल ने कहा कि किबला खुदा की मर्जी का हो, उलमा की अकल ने कहा कि किबला खुदा की मर्जी का हो। लेकिन हुआ क्या, मेरा नबी जोहर की नमाज पढ़ा रहा है, दो रकतें पढ़ चुके, तो उस वक्त मेरा नबी आसमान की जानिब यूं देख रहा है। हालांकि अलामा शबासा कारी सब नबी सब जलवा फरमा है, नमाज में इधर उधर मत देखो। जब इंसान इधर उधर देखता है तो फरिश्ते कहते हैं, किधर देख रहा है? उधर रब है, तू रब के सामने खड़ा है, तुझे मालूम नहीं, इधर उधर मत देख। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू देख रहे हैं, और रब को ये अदा इतनी पसंद आई, का कद नरा तकल्लुबा वजह का फिस समाई फलनुवल्ली जन्नता किबलतन तर्दाहा, किबला वो बनाएंगे जिसमें तेरी रजा होगी। वो मेरी अकल ने कहा कि किबला रब की मर्जी का होना चाहिए। शरीयतें बदलती रही, तरीके बदलते रहे, जराइम की सजाएं बदलती रही, लाभ बदलते रहे, लेकिन आदम अलैहि सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा के मदीने के 17 महीनों तक तारीख में कोई साबित नहीं कर सकता कि किबला बदलने की कभी रिवायत हुई हो। किबला बदला नहीं गया, किबला एक ही रहा। सब लोग यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, तो किबले का चेंज हो जाना इतना बड़ा धमाका था, इतनी बड़ी बात थी कि दुनिया चकरा के रह गई। लेकिन कभी आपने गौर किया कि एक है अशरा मुबशरा, ये नहीं चकराए, बाकी हर एक चकरा गया। इतना चकरा गया कि रब को कहना पड़ा, सयकूलु सुफहा, बेवकूफ अभी बोलेंगे नबी तेरे किबला चेंज करने पे ये बेवकूफ बोलेंगे। दुनिया चकरा गई, मगर मैं देख रहा हूं कि जोहर की नमाज नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, जोहर की नमाज के बीच में फवल्ल वजहा का शतरल मस्जिद हराम, ऐ नबी अपना चेहरा मस्जिद हराम की जानिब मोड़ लीजिए। अब जरा रुकिए, किबला तो नमाज के बाद भी चेंज हो सकता, क्या दो रकतों की वेट करने से कुछ हो जाएगा? नहीं। लेकिन नबी सोच रहे हैं नमाज में कि किबला चेंज हो। अब जब किबला चेंज होगा तो कैसे हुआ? आप लोगों ने अगर मस्जिद किबलातैन में नमाज पढ़ी है, मुझे दो ऐसी मस्जिदों में नमाज पढ़ने का इत्तफाक हुआ जिसके किबले दो हैं। एक हजरत अय्यूब अलैहि सलाम की मस्जिद में नमाज पढ़ने का इत्तफाक हुआ मुझे अम्मान में, एक मुझे मस्जिद नबवी यानी मदीना शरीफ में जहां मस्जिद किबलातैन है। आप जब किबला चेंज करोगे तो क्या करोगे? पहले नमाज रोकोगे, क्योंकि तुम मुंह करके पढ़ रहे हो नमाज यरूशलेम की तरफ, नमाज स्टॉप करोगे, स्टॉप करके टर्न लोगे, क्योंकि दोनों का टर्न अपोजिट है। नूर जलाल साहब कितने सार रहे हैं मदीना, पूछो, टर्न लोगे, टर्न अपोजिट है, तो जब टर्न लोगे तो टाइम लगेगा, उधर का आदमी इधर आएगा, इधर का आदमी उधर जाएगा। मेरा नबी नमाज पढ़ा रहा है, रब ने कहा नमाज रोक, नमाज रोक, मुंह फेर, तो किबला किसका? नबी की मर्जी। नमाज किसकी? खुदा की इबादत। तो मोहम्मद मुस्तफा की अदा रब को कितनी पसंद है? कहा मेरी इबादत रोक, अपनी मर्जी पहले पूरी कर। मेरी इबादत रोक, अपनी मर्जी पहले पूरी कर। मेरे नबी ने बीच नमाज में अपनी मर्जी को पूरा किया। तो अकल कहती है कि किबला बने तो रब की मर्जी से, लेकिन तुम अपनी अकल को नबी के ताबे करो। अभी आप लोगों ने वुजू किया, वुजू के बगैर आप लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, मुश्किल है वुजू करना, वुजू जो है वो जरूरी है। आप वुजू करते हुए पांव ऊपर से धोते हैं, मैंने अकल से पूछा कि पांव तो नीचे से धोने चाहिए। सारे सैकड़ों आदमी बशमूल मुफ्ती और मुहद्दिस और मुफस्सिर और मुकर्रर सब पांव ऊपर से धो रहे, हद होगी, ये क्या उल्टा हुआ? तू ऊपर से चल रहा था जबकि चला तो नीचे से है, पांव नीचे से गंदा होता है, ऊपर से नहीं होता। तो अकल ये है कि पांव को नीचे से धोया जाए, तो आवाज आई नहीं, अकल को ताबे कर अदाए मुस्तफा के। नबी ने ऊपर से धोया, तू भी ऊपर से धो, तो अकल जो है वो ताबे होगी अदाए मुस्तफा के। चलिए
मैं आपसे पूछता हूं, औरत कमजोर या मर्द, तो कितने भी बड़े लोग हैं जो औरत की पैरवी करते हैं, वो आखिर कहने पर मजबूर होंगे कि औरत कमजोर। किसी ना किसी लम्हे में वो मानेंगे औरत कमजोर, मर्द ताकतवर। तो अकल मेरी ये कहती है, युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैयैन। अकल मेरी ये कहती है कि औरत को डबल देना चाहिए क्योंकि वो कमजोर है, मर्द को सिंगल देना चाहिए क्योंकि वो ताकतवर है। लेकिन नहीं, अकल को ताबे कर अदाए मुस्तफा है। तो आपको अपनी अकली, नाराए रिसाला, आपको अपनी अकलें ताबे करने पड़ेंगी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं के। तो इनके पीछे पीछे चलो। हमारे नबी दुनिया की सारी अकलों से ज्यादा अकले कामिल रखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दुनिया में तशरीफ लाए, जहूर पजीर हुए, आप हिदायत को बांटने लगे। एक साहब बोले कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी हैं तो उन्होंने अबू जहल को हिदायत क्यों नहीं दी, उन्होंने अबू लहब को हिदायत क्यों नहीं दी। कुरान कहता है कि मोहम्मद तुम हादी हो, इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, तो उन्होंने अबू जहल को हिदायत क्यों नहीं दी, उन्होंने अबू लहब को हिदायत क्यों नहीं दी। मैंने इस जुमले को बारह सुना, बड़े दफा सुना मौलवी से कि अबू जहल को हिदायत क्यों नहीं दी। तो मैंने कहा देख, एक है अबू जहल, एक है अबू लहब, मैंने दूसरी लिस्ट पढ़ी, अबू हुरैरा, अबू बकर, अबू जर, अबू तुराब, इन अबुओं में तेरा कोई अबू नहीं, इन अबुओं में तेरा कोई अबू नहीं कि जब भागता है तो अबू जहल, जब भागता है अबू लहब। तो मैं, मेरी नजर तो अबू बकर पे है, मेरी नजर तो अबू जर पे है, मेरी नजर तो अबू तुराब पे है, मेरी नजर तो अबू हुरैरा पे है। इतने अबू ना काफी है कि उस अबू के पास जा रहा है, लेकिन फिर भी रुक जाते हैं, फिर भी रुक जाते हैं। स्टॉप कीजिए, अबू जहल को हिदायत क्यों नहीं दी। तो असल हिदायत देने वाला कौन है? वल्लाह यहदी मन यशाउ इला सिराती मुस्तकीम, अल्लाह हिदायत देता है। तो हम सवाल करते हैं, नबी को जरा थोड़ा सा यूं रखो, उनका मकाम बड़ा था, आप जरा रुकिए, हिदायत कौन असल में देता? अल्लाह। तो सूरह बकरा, फिर सूरह बकरा, फिर सूरह मायदा, वल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, वल्लाह ला यहदिल कौम काफिरीन, वल्लाहु ला यहदिल कौम फासिकीन। खुदा हिदायत नहीं देता जालिमों को, हिदायत नहीं देता फासिकों को, हिदायत नहीं देता काफिरों को। तो पता ये चला कि जो कुफर पे डटा रहे, जो जुल्म पे डटा रहे, जो फिस्क पे डटा रहे, खुदा उसको हिदायत नहीं देता। तो अबू जहल को जब अल्लाह ने दी नहीं दी तो मोहम्मद मुस्तफा क्यों दे फिर? जब अबू लहब को अल्लाह ने नहीं दी तो हुजूर क्यों दे फिर? तो कहा भाई जब वो नहीं दे रहा तो हम क्यों दें? और फिर एक बात बात सुन लीजिए, अक्सर जहां जाते हैं तो लोग कहते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये कहता है, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ए मोहम्मद मुस्तफा जिससे तू प्यार करे उसको हदायत नहीं मिलती। ये जरूरी नहीं कि तू प्यार करे हदायत मिल जाए। लोग देखा 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 देखा, तुम कह रहे हो कि हुजूर हादी है, रब कह रहा है कि तू प्यार करे तो उसे हदायत, ये जरूरी नहीं कि उसे हदायत मिले। अल्लाह के बंदो यही तो बात है, बात को समझने की कोशिश किया करो यार, तकाजे दौर के बदलते रहते हैं। खुदा की कसम दिमाग को थोड़ा सा ओपन कर लो, तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, कदर करो जो जो तुम्हें चीज मिलती जा रही है और आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक गली और एक मस्जिद में बंद होकर ना रह जाओ, आगे बढ़ो, बड़ा स्कोप, बड़ी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें आगे बढ़ना है। लेकिन तुम्हें देखना है कि नबी ने मक्के से निकल के मदीने में क्या किया था, ये तुम्हें अभी जांचना है, तुम्हें अभी गौर करना है, तुम्हें अभी हिस्ट्री पढ़नी है, तुम्हें तारीख पढ़नी है, अदाएं अभी पढ़नी है, अकल को मोहम्मद की अदाओं के ताबे करना है, अभी तुम्हें करना है वो। सोचो, प्लीज सोचो, सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं बात को किसी जगह पर ले जाना चाहता हूं, सुनिए। आप सबके सब लोग, अल्लाह ने कहा कि तू हिदायत जिसे तू प्यार करे, मसला यह है कि मेरा नबी तो रहमतल लिल आलमीन है, वो तो जो भी आएगा सबसे प्यार करेगा। इंसानो तुम, आए काफिरो तुम, मुशरिको तुम, सबके सब आओ, सब आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नबी बाप के जैसा होता है, बाप ये नहीं देखता कि बेटा कैसा है, वो सब बेटों से प्यार करता है, बल्कि जो बेटा थोड़ा सा उलट हो उससे ज्यादा तवज्जो देता है। नबी तो हर एक पे तवज्जो दे रहा है। तो रब ये कह रहा है गोया के, आए नबी तू तो सबसे प्यार करता है, मैं हिदायत उसे दूंगा जो तुझसे प्यार करेगा, मैं हिदायत उसे दूंगा जो तुझसे प्यार करेगा। अब आयत समझ में आ गई, अब समझ में आ गई। तो सुनिए, नबी हिदायत दे रहा है, अब सुन लीजिए, नबी हादी है, नबी ने हिदायत देना है, तो पहले हाल क्या था आपका? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हिदायत नबी देने के लिए आया, पहले हाल क्या था?
याद करो नेमत को जो तुम पे थी। इस्कुन तुम आदान فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها। तो नबी के ज़हूर से पहले हालत ये थी कि पूरी इंसानियत शफा हुफरा तिन, शफा मीन्स किनारा, हुफरा तिन मिनन्नारे, दोजक के गड़े के किनारे पे थी। ये दोजक के गड़े पे गड़े के किनारे पे तुम्हें लेकर दूंगा शतान। शतान सारी इंसानियत को पकड़ के ले गया कि मैं दोजक में जाके फेंक दू। अब वो जब गड़े पे रख रहा है तो रब ने कहा रुको रुको रुको, शतान है तुम्हारा दुश्मन। इन शैतान अली इंसान या दूगू मुबीन, शैतान है तुम्हारा दुश्मन, ये तुम्हें गिराने लगा। सुनो रुको, मैं हादी भेज रहा हूं। अब यहां सब रुक जाओ, तुम बहुत बड़े अलामा को सुनने वाले हो। डॉक्टर चौधरी साहब ने बड़े बड़े अलामा यहां बुलाए हैं, लेकिन बात नमाज में बिठानी है। अब सारे लोग गिरने वाले हैं, मैंने आयत पढ़ी है तो कहा अभी एक आएगा जो तुम्हें आके बचाएगा। बहुत जहीन लोग हो तुम्हारे, इंजेक्शन दमाई, डॉक्टर साहब बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। अब मुझे इतना बता दो, तुम अगर किसी बंदे को भेजो और रास्ता हो खराब, रास्ते में डाकू बैठे हो, तो तुम अगर किसी को छुड़ाना चाहो तो किसे भेजोगे? जो डाकू से कमजोर हो या ताकतवर? ताकतवर। तो तुमने फैसला कर दिया ना, तो तकरीर आसान हो गई कि तुम जिसको भेजोगे वो डाकू से ताकतवर हो, तुम जिसे भेजोगे वो बदमाश से ताकतवर हो, तुम जिससे भेजोगे वो तुम्हारे दुश्मन से ताकतवर हो। और अगर दुश्मन जिंदा तो वो जिंदा, अगर वो इल्म वाला तो इसके पास इल्म ज्यादा हो, अगर उसके पास हथियार है तो इसके पास हथियार पावरफुल हो। तो शैतान तुम्हें गुमराह करके फेंकने लगा था, तो रब ने कहा रुको, मैं भेज रहा हूं मोहम्मद मुस्तफा को। अब बताओ मोहम्मद शैतान से पावरफुल होगा या कमजोर? अब ज्यादा हदीसें और आयतों की जरूरत नहीं, तुमने खुद पंचायती फैसला कर दिया। शैतान जब दुश्मन है तो अब दुश्मन से पावरफुल होना चाहिए हमारे हादी को। तो सुनो शैतान की पावर, सुन लो शैतान की पावर यह है, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, वो वहां से देखता है जहां से तुम नहीं देख सकते। तो शैतान समुंदर पर बैठ के पूरे न्यू जर्सी को देखता है, शैतान समुंदर पर बैठ कर पूरे अमेरिका को देखता है, शैतान समुंदर पर बैठ कर पूरे अमेरिका को देखता है। तो दुश्मन एक जगह बैठ कर सबको देख रहा है, तो शिरक नहीं तो मोहम्मद मुस्तफा मदीने बाज के पूरी दुनिया को देख रहा है। तुम्हें मानना पड़ेगा, नहीं तो फैसला करो कि तुम्हारा दुश्मन पावरफुल हादी कमजोर। मैं साफ सी बात करता हूं, ज्यादा आयतें ज्यादा हदीसें बोल्डन है, ऐसे फैसला करो, बोलो। एक साहब मेरे सामने बोलने लगे, मैं इस मसलों में पढ़ता नहीं नूर और बशर क्या है। ये असगर चिश्ती साहब शेर पढ़ते हैं वो टॉप का, इस मसले में हम नहीं पढ़ते कि नूर क्या बशर है। एक साहब मुझसे कहने लगे हुजूर नूर है कि बशर? मैंने कहा यह सवाल करना इंतहाई हमाकत है। पता चलता है कि सवाल करने वाला इतना बेवकूफ है कि उसने पांच जमातें भी नहीं पढ़ी, क्योंकि बशर का अपोजिट नूर नहीं, बशर का अपोजिट जिन और फरिश्ता है। तू मुझसे पूछ के नबी नूर है कि जुल्मत, बता चुप, क्योंकि नूर की अपोजिट जुल्मत है। अब बता नबी जुल्मत के नूर? बता। अब वही निकलेगा जो आला हजरत कह चुके, अब वही निकलेगा जो हमारे पीर कह चुके, अब कोई बोल के दिखाए तो सही। तो ऐसे मसले को हल करते हैं, लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है। सुनिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी, शैतान अगर देख रहा है तो आप हादी वो आए कि जिसकी पावर उससे ज्यादा हो। शैतान तुम्हारी रगों में दौड़ता है, अब अगर हादी वो आए जिसकी पावर इससे ज्यादा हो। शैतान अभी तक जिंदा है, अब हादी वो आए जो अभी तक जिंदा है। अब फैसले करते रहना, मुझे तकरीर आके लेके जाना। बस सुनिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी, आप हाद हैं हर कौम के लिए। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनकर आया। ये जो जमिया है इसमें जमिया में ह्यूमन बीइंग्स आ रहे हैं, लेकिन एक जगह मैं पढ़ता हूं इन युसिल तो इलल खल्क काफा, ये खल्क का लफ्ज हर चीज पर आएगा, सूरज चांद जमीन आसमान फरिश्ते जिन, जिस जिस पे खल्क का लफ्ज आएगा उसके लिए मोहम्मद मुस्तफा नबी। तो जब मेरा नबी हर एक के लिए है तो फिर कुरान का असूल सुनिए, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही, रसूल जिसकी तरफ रसूल बनकर आए उसकी जुबान बोलता है।
तो अब हमारा नबी चूंकि सारी मखलूकात की तरफ रसूल बनकर आया, इसलिए ऊंट आए तो उसकी भी समझ रहा है, बकरी आए तो उसकी भी समझ रहा है, चिड़िया बोले उसकी भी समझ रहा है, सांप आए तो उसकी भी समझ रहा है, फरिश्ते आए तो उनकी भी समझ रहा है, जिन आए तो उनकी भी समझ रहा है, इसलिए कि ये खल के काफा की तरफ है। ये मसले लड़ने वाले थे ही नहीं, मौलवी बैठते उसी वक्त हल कर लेते। लेकिन सुनिए, मोहम्मद मुस्तफा हाद है। अब मैं यहां जुमला कहना चाहता हूं, मेरा नबी ऐसा हाद है कि उसके फाइव गेट्स जो हैं वो और अकल आपस में अपोजिट नहीं होते। लामा शबाज साहब बैठे हैं, थोड़ी सी गुफ्तगु को, वरना मैं दूसरी तरफ ही चला जाता हूं, इनसे गुफ्तगु करते हुए लुत्फ आता है। बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ मोती होते हैं, लोगों को खबर नहीं होती, कदर किया करें इन सब की, ये हमारे लिए सरमाया है, खुदा इनका साया हमारे सरों पर दराज रखे। तो इस तरह पता नहीं चलेगा, बगदाद में एक दफा बारिश नहीं हो रही थी, सारे मौलवियों ने डेल लगा लिया बारिश को दी हुई, अल्लाह की मर्जी है जब किसी की माने, सारे बड़े बड़े मुफक्किर मुहद्दिस सारे बगदाद में रो पीट बैठे, बारिश नहीं हुई। एक बंदा आया, आते ही यूं बीच बाजार में खड़ा हो गया, ऐ अल्लाह मेरी आंख में जो सीक्रेट है, राज है, उस राज के सदके से बारिश कर दे। इतना कहा कि हटा नहीं तो बारिश बगदाद भर गया। एक बंदा उसके पीछे चल पड़ा। ये क्या स्टाइल है दुआ कि मेरी आंख में जो राज है उसके सदके से बारिश उतार दे। पीछे 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 पता चला कहीं जंगल के पड़ोस में जाके रहे। खड़ा होके क्या लगा, जिस जात ने तुझे ये मकान दिया उसी जात का वास्ता बता, वो दुआ क्या है, वो तेरी आंख का सीक्रेट क्या है। कहने लगा सुन, फिर कसम बड़ी थी तूने बड़ी, वो सीक्रेट ये है कि एक मरतबा जिंदगी में मैंने बायजीद बिस्तामी को देखा था। एक मरतबा मैंने बायजीद बिस्तामी को मेरी इन आंखों ने देखा था, तो आज मैंने कहा या अल्लाह इतने बड़े तेरे महबूब को और जो इस उम्मत का बुजुर्ग है उसे मैंने देखा, उस सीक्रेट का सदका बारिश उतार। इन लोगों ने बड़े बड़े बंदों को देखा हुआ, अकेला नूर जलाल मारने की, बाकी तो लाइन दोबारा बाद में लगेंगे। वीर करम शाह साहब बड़ी बड़ी हस्ती है, साहब नबी साहब ने कितनों की, इसलिए कदर करो इन लोगों की, कदर करो। यहाँ जो बैठे हैं डॉक्टर साहब जो बैठे, जी जितने लोग हैं, इन्होंने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है, और आप समझते हो कि किसी को देखना मामूली बात है। सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फाइव गेट्स हैं ये अकल के अपोजिट नहीं होते। मेरी आंख मेरी अकल के अपोजिट होगी, मेरी जुबान अकल के अपोजिट होगी, मेरा हाथ मेरी अकल के अपोजिट होगा, लेकिन नबी की जो फाइव गेट्स हैं वो अकल के अपोजिट नहीं होते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मा कसब अल फुआद मा रा, जो नबी की आंख ने देखा दिल में तकजीब नहीं की। मैंने जब देखा था सितारे को तो दिल ने कहा छोटा नहीं बड़ा है, तो आंख ने कुछ देखा, फुआद ने, कल्ब में और फुआद में फर्क होता है, फुआद ने कुछ कहा तो पता ये चला कि मेरे फाइव गेट्स गलती करते हैं और अकल अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन नबी के अज़ा जो हैं वो हम जैसे नहीं। तो जब नबी के अज़ा हम जैसे नहीं तो पूरे जिस्म में बराबरी कैसे। एक सवाल करता हूं, उलामा बैठे हैं इनसे दुआ लेने के लिए, ये हदीस और ये जुमला बोलने लगा हूं। मैं पूछता हूं आप लोगों से, उलामा से नहीं, आपसे पूछता हूं, हुजूर के जिस्म पे मक्खी क्यों नहीं बैठती थी, जिसको हाउस फ्लाई कहते हैं। सारे बोले जी वो गंदी होती है, ये कोई कामिल जवाब नहीं है, ये कामिल जवाब नहीं है, क्योंकि सारी मक्खियां गंदी होती हैं, कोई मुझे गारंटी दे। मक्खी जब गंदी पे बैठेगी तो गंदी होगी, और मक्खी की टोटल लाइफ 40 रातें होती है। जाओ जाके इंटरनेट पे अभी देख लो, इंटरनेट एक दिन कम बताएगा, मेरे नबी ने टोटल 40 रातें बताई हैं। फरमाया हाउस फ्लाई की टोटल लाइफ 40 रातें हैं। अगर एक मक्खी और कुछ मक्खियां ऐसे इलाके में हो कि जहां फ्रेश ओपन नहीं है, जैसे तुम्हारा अमेरिका है, यहां वो गंदगी और रूढ़ी ओपन नहीं है, अब बताओ वो तो मक्खी साफ है, उसे तो बैठने दो। तो जवाब सही है, कामिल नहीं है। आज आया हूं, डॉक्टर साहब ने बुलाया है, तो जवाब सुन लो, दुआ देना। मुस्नद अबू याला, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर ने फरमाया मक्खी की उम्र 40 रातें हैं और सब की सब मक्खियां दोजख में जाएंगी सिवाय शहद की मक्खी के। हदीस सुन ली, अब मेरी रसूली हदीस तो किताबों में भी लिखी है। क्या कहा हुजूर ने कि शहद, जिसे शहद की मक्खी, शहद की मक्खी के अलावा ये मक्खियां दोजख में जाएंगी। तो अब रब ने मना कर दिया हाउस फ्लाई
पाक हो या पलीत, मेरे नबी के जिस्म पे ना बैठे, क्योंकि जो शय मेरे नबी के जिस्म से मस हो जाए वो दोजख में नहीं जाती, वो दोजख में नहीं जाती। और हमारा फैसला हो चुका है कि हौस फलाई सब दोजख में जाएंगे। और यही वजह है कि मेरे नबी जब खाना काबा की सफाई कर रहे हैं तो अली से कहा तू बुत गिरा। क्या मेरे नबी में जोर नहीं है? जो पहलवान को पकड़ के गिरा रहा है वो बुत नहीं गिरा सकता, वो बुत गिराएगा लगा, लेकिन गिरते गिरते चीज टच हो जाती है, गिरते गिरते चीज मस हो जाता है। तो कहा अली तू लगा, क्यों? बुतों के बारे में फैसला हो चुका, वो कूदो हन्नास वल हिजारा, ये हिजारा का माना बुत है, ये सब हिजारा दोजख में जाएंगे, मैं इनको हाथ नहीं लगाता, क्योंकि ये फैसला है। अब हदीस सुन लीजिए, जलालुद्दीन शाह साहब ने इस हदीस को लिखा है अपने मलफूजात में। कहते हैं कि अमीर माविया बैठे हुए थे हुजूर के पीछे ऊंट पे, उनका हजरत अमीर माविया का पेट बड़ा था, उन्होंने सांस खींच लिया ताकि ये टच ना करे। हुजूर ने पीछे मुड़ के कहा सुनो, पेट को पीछे मत खींचो, मेरे जिस्म के साथ लगने दो, जो चीज मेरे जिस्म से मस हो जाए उसको दोजख की आग नहीं छूती। तो दुआएं दीजिएगा, सुनिए, हाथ है मेरा नबी, मेरा नबी हिदायत देने वाला है, मेरा नबी हिदायत देने वाला है। अब हिदायत किससे मिलेगी हमें? ये मैंने डॉक्टर रफीक चौधरी साहब ने जितने मजामीन लिखे हैं मौजूआत, मैं खुलासा बयान करने लगा। सुन लो, हिदायत देगा कौन? हिदायत का जरिया गलत हो गया आजकल, अमेरिका में जरिया गलत, हमारे पास जरिया गलत। जब जरिया गलत हो तो नतीजा गलत होता है। देखिए आप सब लोग माशाल्लाह जलवा फरमा है, अभी चाय की प्याली आ जाए, मैं अर्ज करूं नायब काजी अब अमेरिका जनाब अल्लामा सैफ नबी साहब मद्दसर, प्लीज चाय की आई नीड इट, जी मुझे चाय चाहिए। ये मुझसे पूछे चाय आ गई मीठा पूरा है, मैं कहूं मैं उसमें कांड बोलूं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मीठा पूरा है या चीनी कम है या ज्यादा। मैं उसमें उंगली डबो दूं तो मेरी उंगली नहीं बताएगी कि मीठ चीनी ज्यादा है या कम। मैं उसके अंदर नाक डबो दूं तो नहीं बताएगी कि मीठा कम है चीनी कम या ज्यादा। एकदम से मैंने चाय उठाई सिप लिया तो मैंने कहा सैफ नबी साहब परफेक्ट। तो जब मैंने चाय में कांड डबोया था तो चीनी का क्यों नहीं पता चला? इसलिए कि जरिया गलत है चीनी मालूम करने का। मैंने नाक डबोया था तो चीनी पता के, क्योंकि जरिया गलत है, सूंघा जा सकता है चखा नहीं जा सकता। मैंने उंगली डबोई चीनी का पता नहीं चला क्योंकि जरिया गलत है। जब मैंने उसको सिप लिया तो पता चला चीनी कम है या ज्यादा क्योंकि जरिया सही है। तो जब जरिया सही हो तो नतीजा सही होता है। देखो तुम लोग खुदा को तलाश करने लगे अकल से, तो जिसने अकल से तलाश किया वो दहकिया हो गया, और जिसने हवास से तलाश किया वो मज़ाहिर प्रस्त हो गया। बताया सुनो, मुझे तलाश करने का जरिया तेरी अकल नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा है। और जब मोहम्मद मुस्तफा के जरिए से तलाश किया परफेक्ट पहुंचे। अब जरा सुन लेना हमारी बात, और बात मेरी तमहीदी आखिरी लम्हात में पहुंच गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताने लगे लोगों को, एक साथ खड़े हुए मजमे से कहने लगे मुख्तार नहीं, सूरज भी बताता है कि अल्लाह है, चांद भी बताता है कि अल्लाह है, जमीन भी बताती है कि अल्लाह है। मैंने कहा बजा कहा परफेक्ट कहा, लेकिन एक बात सुन, सूरज बताता है अल्लाह है, लोग सूरज को पूछते रहे सूरज चुप रहा, चांद बताता है अल्लाह है, लोग चांद को पूछते रहे चांद चुप रहा, पत्थर बताता है पत्थरों को पूछते रहे पत्थर चुप रहा, दरख्तों को पूछते रहे, पीपल के दरख्त को पूजा जाता है बरगद को पूजा जाता है दरख्त चुप, पूजा जाता रहा चुप रहा। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सूरज बताता है मगर लोग पूछते रहे वो चुप रहा, चांद बताता है लोग पूछते रहे वो चुप रहा, पत्थर बताता है लोग पूछते रहे वो चुप रहा। अब एक ऐसा हादी आया, ऐसी पावर वाला था कि जब वो हिदायत करने लगा तो उसके पास आकर वो भी बोलने लग गए जो कभी बोलते ही नहीं थे। अभी बात दावे में है, आगे जाना चाहता हूं। अबू जहल आ गया बड़ा बदतमीज, आके कहता बता मेरी मुट्ठी में क्या है। अब मेरा नबी भी देखो, मेरा नबी दुनिया का जहीन तरीन इंसान, क्या लगे मैं बताऊं या मुट्ठी की चीज बताए? ये जुमला नबी ने क्यों कहा? तकाजा तो ये था कि मेरी मुट्ठी में क्या है,
लेकिन नबी कह रहा मैं बताऊं या वो क्यों, इसलिए अगर नबी में बता देता, अबू जहल इंतहाई खबीस था, हुजूर कह देते कि फला शह है तो कहता ओ अच्छा जब मैं उठा रहा था तो तू देख रहा था, जब मैं उठा रहा था तो तू देख रहा था, कहा मैं बताऊं या मुट्ठी की चीज बताए, कहा अगर मुट्ठी की चीज बता दे तो मैं तुझे ज्यादा नबी मानूंगा, कहा अच्छा मेरे नबी ने यूं नजर की, उसकी मुट्ठी में कंकर थे, कंकर बोलते नहीं, उसकी मुट्ठी में कंकर थे, मेरे नबी ने नजर की, नजर जो है वो कास करके उसके हाथ से निकल गई, निकल के जाके कंकर पे पड़ी, कंकर बोल उठे हम तबाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, पत्थर बोलते नहीं, ये ऐसा हाथी है कि नजर डाली तो वो भी बोलने लगे जो बोलते नहीं है, तो ये फर्क है इस हाथी में। लेकिन यहाँ एक नुक्ता रख करता हूँ, अल्लामा शफा साहब, सबुन नबी साहब, सब लोग हैं इनकी दुआ के लिए, कंकर थे अबू जहल के हाथ में, जाओ जाके हिस्ट्री पढ़ लो, जब उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वो ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बिदत है, ये कलमा, ये याद रखना, जब भी तुम्हें कोई बिदत बिदत कहना उसको वो ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह बताते खुद बिदत है, ये हुजूर के दौर में कोई नहीं पढ़ता था, हाँ उसी वक्त फंसेगा वो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह ये पढ़ते थे, तो कंकरों ने क्या पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अबू जहल ने यूं फेंक दी, जाए जाके पढ़ लीजिए, जब उन्होंने पढ़ा उसने यूं फेंक दी। यहां नुक्ता रख कर जाऊं, मुशरिक की कैद में थी, मोहम्मद का कलमा पढ़ा तो आजादी मिला, न्यू जर्सी में डॉक्टर चौधरी की दावत पे आने वालों, मोहम्मद मुस्तफा का दामन पकड़ लो, कैद में हो आजादी मिल जाए, जाओ फिर तुम्हारी बर्बाद के अंदाजे देखना, फिर तय जमानी देखना और तय मकानी देखना। अब इतने मौजूदात हैं, मुझे एक एक बार टच करना है, जाओ फिर तय जमानी देखना और फिर तय मकानी देखना। आप लोग ये समझते हो कि मदीना शरीफ जाना बहुत दूर है, आप समझते हो कि मक्के शरीफ में जाना मुश्किल है, ये बड़ी इजी आसान बातें हैं। आज अमेरिका बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन ये जितनी तरक्की कर ले साइंसदान, ये जितनी भी तरक्की कर ले, अल्लाह ताला के कलाम जो हिदायत जो हुदा है उसके फरमान के बराबर नहीं समझ सकते। आज अमेरिका में मैंने आके सीखा कि यहाँ ऐसी जैकेट है कि तुम पहनकर आग में चले जाओ तो आग तुम्हें जलाती नहीं, तो जैकेट पहननी पड़ेगी ना, तो फिर आग में जाएंगे ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिना जैकेट के गए, ऐसी तरक्की कोई माई का लाल दिखाए तो सही, बिना जैकेट के गए, अभी बहुत प्रवास पे जा रहे हैं, बुलंदी पे जा रहे हैं, दावा है कि हम बहुत बुलंदी पे जा रहे हैं, इस वक्त स्पेस के अंदर 2 फुटबॉल की ग्राउंड के बराबर पूरा एक हाल बन रहा है, उसमें मैकडॉनल्ड बर्गर 16 मुल्क मिलकर स्पेस में 2 फुटबॉल के जो ग्राउंड है उसके बराबर पर 16 मुल्क पैसा लगा रहे हैं, कि यानी जब जमीन खराब हो जाए तो फिर हम आसमान में चले जाए, तो रब ने कहा कोई बात नहीं जमीन में जाओ या सीढ़ी लगा के आसमान में जाओ, मुल्कुल मौत हर जगह आएगा, वो हर जगह आएगा, तो भाई बड़ी ऊपर जा रहे ना, लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको जरूरत है पेट्रोल की, फ्यूल की। आओ सुलेमान ले सलाम जैसा तख्त लेकर आओ कि ना पेट्रोल ना पट, ऐसा लेकर तो कोई नहीं ला सकता, तो दुनिया वालों कहां जाओगे, तय जमानी और तय मकानी, तुम लोगों के पास खुदा की कसम बड़ी पावर है, ये हादी जो हिदायत लेकर आया ना उसका नाम खुदा का नाम कुरान है। सुलेमान ले सलाम एक दिन बैठे हैं मिंबर पे, मौज आ गई, कह लगे यार वो 900 मील दूर मलका का तख्त है वो कौन लेकर आएगा, 900 मील 900 माइल अवे फ्रॉम सुलेमान ले सलाम, कौन लाएगा 900 मील दूर से, एक जिन खड़ा हुआ, निकम्मी तरीन कौम जिन, लोग जिन को कब्जे में करते हैं, टिल्ले लेजी, एक जिन खड़ा हुआ, कौल इफ्रीत मिन जिन अराकी कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक, एक इफ्रीत बड़ा जिन खड़ा हुआ, मैं सुलेमान अलैहि सलाम आपके खड़े होके बैठने से पहले मैं जाके ले आऊंगा, बैठ गए इतनी देर, टिल्ला लेजी नीचे बैठ, भाई और खड़ा हो भाई और खड़ा हो, तो तुम लोग जिन कब्जे करके बाबा जी के पास जिन है, और बाबा भी तो तुम भी, क्या क्या जहालत है, जिन को ले रहे हो, ये जिन तो मेरे मोहम्मद के दर के नौकर, सहाबा कहते हैं हमारी दबक से जिन डर जाता है, एक दबक मारे हो गया, और हम लोग जिन कब्जे करने में लगे हो सुलेमान अलैहि सलाम के रिजवान है, इतनी स्लो स्पीड, قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يتقى اليك ترفض, एक बंदा खड़ा हुआ,
जिन्नों के पीछे मत पड़ो। एक बंदा खड़ा हुआ। अब तो तफसीरें जो कहती हैं, मुझे तो इससे गरज है कि बंदा, और उसके पास जबूर का थोड़ा सा इल्म है, इल्मुन मिनल किताब, मिन बाजियत का हो तो थोड़ा सा इल्म, तो जबूर का उनके पास थोड़ा सा इल्म था। कहा 900 माइल से मैं लेकर आता हूं, और स्पीड कितनी होगी? ट्विंकलिंग विद वन एन आई, पलक झपकने से पहले। मैं अभी डॉक्टर साहब के बेटे हैं, माशाल्लाह बड़े सेहतमंद जवान, मैं से बोल जाओ भाई न्यूयॉर्क पहुंचो लुगाड़िया, लुगाड़िया जाओ, वहां कोई 3 मण की चीज पड़ी हुई है तो कमरे में से ले आओ। ये मुझसे बड़ी चीजें मांगेंगे, सबसे पहले तो कहेंगे अच्छा जी नक्शा क्या है, फिर जहां चीज पड़ी है उसकी चाबी कहां है। अब ये 7 मकानों में कमरों में बंद, 7वें में जाके ये तख्त था, फिर उसको उठाने के लिए मुझे लेबर भी चाहिए। कितनी चीजें लानी सिर्फ लुगाड़िया न्यूयॉर्क से है, 900 माइल से लानी है। उस बंदे ने ये नहीं पूछा नक्शा क्या है, ये नहीं कहा 7 तालों की चाबियां दे दो, ये नहीं कहा लेबर चाहिए उठाऊंगा कैसे। इधर आंख झपकी, तख्त सामने पड़ा था। इसको तय जमानी और मकानी है ये, पलक झपकते हर चीज आई। और दुनिया वालों खुश नसीब हो, हमें वो मोहम्मद मुस्तफा मिले कि मेराज की रात तय जमानी और मकानी दोनों करके दिखा दिए, वो कि नबियों की भी परवाह इतनी नहीं है, इतनी परवाह उनकी भी नहीं है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हादी। अब जुमला सुन लीजिए, हम लोग नमाज में खड़े रहते हुए कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। मुझे इसाल इलल मतलूब और इरादतुत तरीक में नहीं जाना, मुझे सीधा तर्जमा करना, सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा, हर हरकत में सीधा रास्ता दिखा। अच्छा आप लोग हो, मैं हूं, सीधा रास्ता दिखा, एक और है कौन? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वहदैनाहु वस्तबैनाहु वहदैनाहु इला सिराति मुस्तकीम, उसको दिखा दिया हमें, दिखा दिखा दिखा, वो है वहदैनाहु दिखा दिया। और एक और हस्ती है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिराति मुस्तकीम। तुम हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दिखा, और नबी है वहदैनाहु दिखा दिया, मोहम्मद मुस्तफा दिखा नहीं, दिखा दिया नहीं, ऊपर बिठा दिया। अला सिराति अला इस्तिराक लिया था, अला सिराति मुस्तकीम, मोहम्मद मुस्तफा सिराति मुस्तकीम पर है, ऊपर है उस रस्ते के। इसीलिए जब तुम फ्रीवे पे जा रहे हो तो रस्ते में तुम्हारी गाड़ी को कुछ हो जाए तो 911 कॉल करते हो, फौरन मिलाते हो। तो हमें मालूम है कि सिराते मुस्तकीम पे मोहम्मद मुस्तफा हैं, इसलिए हम कहते हैं या रसूल अल्लाह अंजुर हाला, फंस गए या रसूल अल्लाह, नजर फरमाइए, फंस गए। अगर 911 फ्रीवे पे कॉल करना शिरक नहीं तो या रसूल अल्लाह कहना भी शिरक नहीं है, वो अला सिराते मुस्तकीम है, वो सिराते मुस्तकीम पर है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत लेकर आए, सुन लीजिए बस खत्म करता हूं, वो ये हादी हैं, और जो हिदायत लेकर आए हैं उसका नाम क्या है? शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। तो वो कुरान जो है वो हुदन है, नबी हादिन है, ये हुदन है। तो ये जो हुदन है, ये कुरान मजीद हमारे सारे मसाइल का हल है। कुरान मजीद के अंदर लोगों ने बड़ा कहा, शुरू में आपको पता मुखालफत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और मुखालफत बुराए मुखालफत हो जाती है, लेकिन इसलिए आपसे मैं अर्ज करूंगा कि आप लोग तहकीक करें, सोचें, पढ़ें, देखें, बैठें, फिर फैसला कीजिए। अब अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी, हुदा जो दिया, लोगों ने इतराज कर दिया, तो रब ताला ने ये कहा कुल ला निश्तमातिल हिंसो वल जिन्नो अला इशातु बिमिस्ल हाज़ल कुरान, सारे जिन इकट्ठे हो जाओ, सब आ जाओ इस कुरान की मिसल बनाने, तो बनाओ मिसल, कोई भी मिसल ना बना पाया। रब ताला ने सूरह हूद में फिर ये कहा अम यकूलू नफ्तराओ कुल फातू बिअश्र सूर मिसलिही मुफ्तरयात, चलो पूरा कुरान नहीं तो 10 सूरतें बना के ले आओ, 10 सूरतें भी ना बना सके तो चैलेंज को कम करके कहा अम यकूलू नफ्तराओ, ये कहते हैं कि कुरान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्ला खुद गढ़ा है, तो फातू बिसूर एक सूरा ही ले आओ, तो एक सूरा भी कोई न ला सका, तो सूरा से और कम चैलेंज कर दिया था, हम यकूलून तकब्बलहु बल्ला यूमिनून फलयातु बिहदीस मिस्लही, एक जुमला ही कुरान का बना के ले आओ, तो कोई ना बना पाया। ये चैलेंज आज तक मौजूद है, ये आपके पास हुदन है,
हिदायत है। देखो जब किसी के पास चार चीजें होती हैं तो वो चीज बड़ी इजीली बना। आप चाइना चले जाओ, चाइना को बस जाके इतना कह दो कि मुझे ये ग्लासेस चाहिए, आपको ग्लासेस दिखाने की जरूरत है और पेमेंट करने की जरूरत है, वो आपको ये ग्लासेस बना देगा। क्यों? इसलिए कि चाइना के पास मॉडल तुमने दे दिया, स्किल उसके पास है, गोल पैसा तुमने पकड़ा दिया, ठीक है, मटेरियल उसके पास मौजूद है। तो चार चीजें जब होती हैं तो चीज बड़ी आसानी से बन जाती है। स्किल होनी चाहिए, मॉडल होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, गोल होना चाहिए। चार चीजें हो, माई का लाल जो है वो सब चीजें बना लेगा, जैसे चाइना तुम्हें हर चीज बना के दे रहा है, सब चीजें बना रहा है। कुरान का मटेरियल अलिफ बा ता सा अरब के पास पहले मौजूद था, स्किल इतनी थी कि सबको गूंगा कहते थे, खुद को अरब कहते थे, और मॉडल कुरान उनके सामने था, इना तो इना कल को सर, और गोल एक जुमला बनाओ सारा इस्लाम झूठा, तो हीद भी गई, रिसालत भी गई, गोल उनके सामने है। बंदे मरवा लिए, आयत नहीं बनवाई, बंदे मरवा लिए, आयत नहीं बनाई। तो चार चीजें अरब के पास मौजूद, फिर भी आज तक वो कुरान ना बना पाए, तो पता ही चला ये कुरान मजीद हुदन है, उस हादिन वो लेकर आए आपके पास। इस कुरान को पढ़िए, इसमें हर चीज आपको मिल जाएगी। एक पारा, दो पारे, तीन आयात, अपने बच्चों को सिखाओ और पढ़ाओ। देखो ये जलसे कायम करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके दिमाग के अंदर रिमाइंड, आपको थोड़ा सा समझा दिया जाए, थोड़ी सा रिमाइंड हो जाए। हमारे बच्चे जो हैं, अक्सर लोग ये समझते हैं कि बच्चा अभी तीन साल का है, चार साल का है, यकीन जानिए बच्चा तीन साल का छोटा नहीं है। अमेरिका में आके सबसे बड़ी गलती हमने ये की कि बच्चे को चार पांच छह सात साल का छोटा समझा, सात साल के बाद वो हाथ से निकल जाता है। अब आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं, वो आपको समझाएगा अगर आप अमेरिका में हैं। इसलिए हमारे इस्लाम में तो बच्चा जब पैदा हो उसी वक्त ही तालीम शुरू हो जाती है, लेकिन चलिए जमाना ले लेते हैं, तीन साल जो है जब शुरू हुए, अब आप अपने बच्चे को समझाना शुरू कर दीजिए। आदाब सिखाइए, आयात सिखाइए, दुआएं सिखाइए, अदब बतलाइए, सारी चीजें, खास तौर पर ड्रेस के ऊपर जो है तवज्जो दीजिए, अपनी ट्रेडिशंस के ऊपर तवज्जो दीजिए। और तुम लोगों को ज्यादातर फंसे हो गए, जिनके बच्चे बच्चा हो जाता है, अब गई है याशिये। अब ये नहीं है कि तू फिल्म देख रहा है तो बच्चे को गए, फिल्म नहीं देखते, उसको याद है कि तू देखा करता था। इसीलिए अमेरिका के फिलोसफर ने कहा जो 90% बच्चा 5 से 7 साल की उम्र तक सीख लेता है, 10% वो बाकी सारी जिंदगी सीखता है। इसलिए ये मजलिसें और ये जलसे कायम करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम लोग अपने बच्चे को हिदायत आगे वो पहुंचाएं जो हमारा हाथी लेकर आया। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब ने बहुत खूबसूरत बयान फरमाया, माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी उम्र में और इनके नाले में और इजाफा फरमाए। उन्होंने इतनी खूबसूरती से हमें ये दरस दिया कि लुत्फ व करम के साथ अपने लोगों की रहनुमाई करने वाले नबी पाक साहबेल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और जो भी अक्ल की तौसीन करता है उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और वो हैं हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो जो खुदा लेके आए उसका नाम है कुरान करीम, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद। तो अभी हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे पास जैसे कि मौलाना साहब ने पहले अर्ज किया और हमारे अक्सर ऑडियंस को पता है कि सुन्नी स्कॉलर बोर्ड के चेयरमैन हजरत मौलाना शहबाज चिश्ती साहब, वेन एवर ही कम ही इज रियली फुली प्रिपेयर्ड, दैट्स वाई वी लव हिम सो मच, कि वो अपना सब्जेक्ट मैटर बेहतरीन तरीके से तैयार करके आते हैं। तो उनकी तकरीर बाकी है, हमारे पास बड़ी बड़ी खुशकिस्मती है कि कराची से बेहतरीन नाथ खान तशरीफ फरमा है, इसी तरह बुलबुल मदीना तशरीफ फरमा है, और उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ मुंह मुबारक की ज़ियारत होगी। हम आरफ भाई के बहुत मशकूर हैं कि मुंह मुबारक यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इंशाल्लाह उसकी ज़ियारत होगी, उसके बाद खाना। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बिला ताखीर हजरत मोहम्मद अली सोहरावर्दी साहब से कराची से तशरीफ लाए हैं, बड़े बेहतरीन नात खाना आए, तशरीफ लाए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का, डॉक्टर रफीक चौधरी साहब का, इन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और याद फरमाया, और खुसूस तौर पर उस्ताद सना खान नूर मोहम्मद जलाल साहब का, कि जिनके तवसुल से मेरी इस महफिल में यकीनी शिरकत हुई। आइए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए बाबा से बुलंद मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैक या हबीबल्लाह, मिलकर पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैक या وسلم عليك يا کیا بات مدینے کی یا رسول، کیا بات مدینے کی، क्या बात मदीने सारी दुनिया खाती है, खैरात जो खाता है, मिलकर पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैक या रसूलल्लाह वसल्लम अलैक या। बहुत दूर से आया हूँ और आप थोड़े से दूर बैठे, अगर आप थोड़ा करीब तशरीफ ले आए तो पढ़ने में और मजा आएगा। जो कुछ पीछे अहबाब बैठे हैं, काफी दूर कुछ अहबाब बैठे हैं, अगर वो थोड़े से करीब आ जाएं, मैं काफी दूर से आया हूँ और आप काफी मुझसे दूर बैठे हैं, तो इतना दूर ना बैठे, थोड़े से करीब आ जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله। جب بندہ حرم شریف میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا خیالات ہوتے ہیں، اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر نے کلام تحریر کیا اس یقین کے ساتھ کہ آج یہاں بیٹھ کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے، وہ دن آئے گا حرم شریف ہمارے سامنے ہوگا اور اسی طرح اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے انشاءاللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ مل کر بولو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں،
मुझको मेरा मुकद्दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर और तेरे करम की क्या बात मौला तेरे हरम की क्या बात मौला तेरे कर्म की क्या बात मौला का उम्र कर दे आना मुकद्दर अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर और भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने अरे चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने जो हरम शरीफ गए हैं जिनको ज़ियारत नसीब हुई है जो नहीं गए उन्हें हर साल मदीना शरीफ की हज नसीब हो जाए हरम शरीफ की ज़ियारत नसीब हो जाए जो वहां पर गए हैं उन्होंने देखा है कि वहां पर एक पत्थर नस्ब है जिसे कहते हैं हजरे अस्वद क्या कहते हैं हजरे अस्वद वो पत्थर जन्नत से आया है वो पत्थर जन्नत से आया है और जो जाए जाता है उसे चूमता है क्यों चूमता है कि वो जन्नत से आया है नहीं मेरे आखा ने उसे बोसा दिया है शायर कहते हैं कि भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने अरे चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने ऐ हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर और याद आ गई जब अपनी खताए अश्कों में ढलने लगी गिलते जाए रोया गिलाफे काबा पकड़ कर रोया गिलाफे काबा पकड़ कर फिरत की अता चाहता है बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर अल्लाहु अकबर